namaskar and good evening. i'm manukul, motivational speaker and success coach. i welcome you in the session of i love myself, self mastery session. Today bhat are to is mastery session. time management. time is very important in life. rather, i can say life management. ही टाइम मैनेजमेंट है और टाइम मैनेजमेंट ही लाइफ मैनेजमेंट है जिसने टाइम को मैनेज करना सीख लिया उसने लाइफ को मैनेज करना सीख लिया लाइफ केवल टाइम है पचास साल सत्तर साल अस्सी साल ये साल जो ईयर्स हैं व्हाट इज दिस इट इज़ नथिंग एंड नॉट मोर देन टाइम इट इज टाइम ओनली सो हमें अपने सत्तर साल अस्सी साल नब्बे साल को मैनेज नहीं करना है हमें अपने चौबीस घंटे को मैनेज करना सीखना है और यही चौबीस घंटा यही आज यही आज कल में कन्वर्ट होगा और फिर हम रोज़ एक एक दिन एक एक दिन जीते हुए एक एक दिन जीतते हुए एक एक दिन सफल होते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं जो भी हमने अपने लिए तय किया है मैं जब सुनता हूं एक गाना हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन आई ऑलवेज फील ये गाना मेरे अनुसार लोग क्या समझते हैं इस बात को मैं नहीं जानता मेरे अनुसार ये गाना फ्यूचर टेंस में बात करता है हम होंगे कामयाब एक दिन आखिर वो दिन कब आएगा जब हम रोज कामयाब होंगे जब हम रोज़ अपनी ज़िंदगी का प्लान करेंगे जब हम रोज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे रोज़ सफल होंगे तब वो दिन आएगा इसलिए हमें आज प्लान करना आज एग्जीक्यूट करना आज डेमोन्स्ट्रेट करना सीखना पड़ेगा बिकॉज दिस 24 फोर आवर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इन माई लाइफ इन आवर लाइफ मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं तो मैं वर्कशॉप कंडक्ट के लिए जगह जगह पे जाता हूँ स्कूलों में कॉलेजेस में और मैं जब ट्रेन पे एक बार जा रहा था आसाम की तरफ तो मैंने देखा बहुत सारे लोग टी शर्ट पहने हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा आई थिंक आई एम कन्फ्यूज़ अपना टाइम कब आएगा मैं तो बोलूँ अपना टाइम आ गया है अपना टाइम आज ही है अपना टाइम कल नहीं है क्योंकि मेरा टाइम कल होगा या नहीं होगा आई डोंट नो सो इसलिए आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वॉट इज़ टाइम मैनेजमेंट आखिर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखें हम कैसे करें तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें अपने को मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ आज मैं कहाँ हूँ और मुझे एक सप्ताह के बाद कहाँ जाना है मुझे एक मंथ के बाद कहाँ जाना है एक साल पाँच साल दस साल यानी हमारी जिंदगी में हमारी ड्रीम हमारी गोल्स बहुत क्लियर होनी चाहिए यानी क्लैरिटी ऑफ गोल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ आई वॉन्ट टू मैनेज माई टाइम प्रॉपरली तो उसके लिए रिटर्न गोल्स होने चाहिए रिटर्न ड्रीम होने चाहिए मैं कुछ सोच रहा हूँ ये कर लूंगा ये आज करना है इससे काम नहीं चलेगा अगर मैं समय बचाना चाहता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे समय का सही उपयोग मैं कर पाऊँ आज अपने 24 घंटे का तो मेरे पास एक रिटर्न प्लान होना चाहिए और रिटर्न प्लान हमारे मन को गाइडेंस देता है हमारे मन को हमारी एनर्जी को डायरेक्शन देता है कि नहीं जी आज मुझे ये ये काम करना है और वो जो गोल सेट होना चाहिए वो टाइम के साथ सेट होना चाहिए इसलिए देर आर थ्री फोर फैक्टर्स यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट द फर्स्ट थिंग द क्लैरिटी ऑफ गोल सो क्लैरिटी ऑफ गोल में क्या करें डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू टूडे सुबह सुबह उठते ही पहला काम होना चाहिए कि वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू डू टूडे इट शुड बी रिटर्न दूसरा क्या होना चाहिए वाई आई वॉन्ट टू डू दिस हम जब लिखने बैठे तो हम जरूर यह सवाल अपने से पूछें कि वाई आई एम फिक्सिंग दिस गोल तीसरा ये राइटिंग में होना चाहिए और चौथा सेट ए डेडलाइन फॉर इट हमें एकदम टाइम लिखना चाहिए कि ये काम पाँच बजे सुबह करना है ये काम सात बजे करना है ये काम आठ बजे करना है तो इट शुड बी इन अ वेरी सिक्वेंशियल फॉर्म हमें ऑर्डरली फॉर्म में उसको लिखना चाहिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है दिन का वो सबसे ऊपर होना चाहिए सबसे पहला काम होना चाहिए और धीरे 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 जो लेस इम्पॉर्टेंट काम है वो नीचे आने चाहिए बिकॉज सुबह सुबह हमारी एनर्जी हमारा मन एकदम ताकत के साथ भरा होता है हमारा सबकॉन्सियस माइंड चार्ज्ड और एक्टिवेटेड होता है उसमें हम अपने सबसे कठिन और सबसे टफ टास्क को अगर डालें तो दैट विल बी गिविंग ए डायरेक्शन टू माई डे और जब हम वो टास्क अचीव करते हैं जब हम अपना टास्क अचीव करते हैं तो हमारे ब्रेन में इंडोर्फिन नाम का हॉर्फोन रिलीज होता है और ये इंडोर्फिन हमें खुशी देता है दैट गिव्स हैप्पीनेस दैट गिव्स कॉन्फिडेंस दैट गिव्स क्लैरिटी दैट गिव्स रदर कमिटमेंट दैट गिव्स कॉन्फिडेंस इन मी तो ये इंडोर्फिन जो हमें हाई देता है हमारे ब्रेन को हाई देता है ये हमें और काम करने के लिए मजबूर करता है कि यार बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में लेट मी डू लेट मी डू लोग कहते हैं ना मेरा मन लग गया है काम में इट इज़ ओनली बिकॉज आई एम नाउ गेटिंग इन टू एडिक्शन एंड दिस एडिक्शन इज क्रिएटेड बाई इंडोर्फिन एंड दैट साइकोलॉजी में इसे लोग कहते हैं पॉजिटिव एडिक्शन है ये एडिक्शन आदमी को सफल बनाता है तो हमारी गोल अगर क्लियर है और हमने उसमें टाइम दे दिया है और हम अपनी पॉजिटिव एडिक्शन के लिए जो सबसे टफ काम है वो मैंने दिन में शुरू किया पहला तो व्हाट विल हैपन हमको दिन भर काम करने में आनंद आएगा हमें हैप्पीनेस फील होगी और फिर हमारा डिस्ट्रैक्शन खत्म होता जाएगा इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गोल सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टाइम मैनेजिंग हम टाइम मैनेजमेंट अगर करना चाहते हैं तो पहले गोल मैनेजमेंट भी हमें सीखना पड़ेगा तो फिर गोल मैनेजमेंट के लिए भी कुछ चीजें होनी चाहिए कि भाई मैं गोल गोल अपना सेट कर रहा हूं तो फिर गोल सेट करने के लिए हमें की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया पता होनी चाहिए जिसको बोलते हैं के आर ए सपोज मैं स्टूडेंट हूं तो मेरी के आर ए क्या है माई की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया इज वॉट अपने मम्मी पापा के विश्वास के ऊपर खड़ा उतरना अपने टीचर्स के साथ अच्छा संबंध बनाना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं बेटा हूं मैं बेटी हूं इसको भली भांति अपने ट्रू सेंस में उसको एग्जीक्यूट करना जब पढ़ने का समय हो तो पढ़ना यानी मैं एज स्टूडेंट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूर करना क्लास के समय क्लास करना खेलने के समय खेलना सोने के समय खे, सोना अपने हेल्थ पर ध्यान देना अपने मेंटल हेल्थ के प्रति सचेत रहना अपने मोबाइल के यूज को समझदारी से यूज करना सो so ये एक स्टूडेंट के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया होगा अगर मैं टीचर हूं तो मेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या होगी बिकॉज मुझे टाइम मैनेज करना है तो मुझे अगर मालूम है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया तो मेरा गोल सेटिंग में ये मददगार साबित होगा तो वॉट आई शुड नो वॉट इज़ माई की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया तो एक टीचर के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, है कि मुझे अपने स्कूल के मिशन और विजन के साथ जुड़ना मेरे सब्जेक्ट का ज्ञान होना अपडेट नॉलेज रखना अपने स्टूडेंट के साथ सही संबंध बनाना गुरु शिष्य का अपने स्टूडेंट के साथ क्लासरूम में कम्युनिकेट करना एग्ज़ामिनेशन लेना उसका इवेल्युएशन के करना ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एरिया आती हैं अगर मैं कोऑर्डिनेटर हूँ स्कूल की या फिर मैं किसी ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट हूँ तो टेलीफोन रिसीव करना लेटर्स टाइप करना अपर मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच में कड़ी की तरह काम करना टेलीफोन हैंडल करना दीज आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अगर मुझे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया पता है तो मेरे गोल सेटिंग में मेरी मदद मिलेगी बट इफ आई डोंट नो वट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वॉट आई एम पेड फॉर अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरी फीस मेरे पापा क्यों देते हैं अगर ये मुझे नहीं मालूम मैं स्कूल क्यों जाता हूं यह मुझे नहीं मालूम तब फिर गोल सेट करना बहुत मुश्किल होगा तब फिर टाइम मैनेजमेंट करना असंभव सा होगा इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें इन दो चीजों के बीच में तालमेल बिठाना चाहिए इसीलिए हर स्टूडेंट के लिए मैंने एक बहुत सुंदर चीज लिखी है एक बुक लिखी है जिसका नाम है आई लव माई सेल्फ सेल्फ मास्टरी बुक मैंने इस सेल्फ़ मास्टरी बुक में वो सारी टेक्निक की बात की है कि हमारा ईयरली गोल कैसा हो हमारा मंथली गोल कैसा हो हमारा वीकली गोल कैसा हो हम रोज सुबह सुबह उठ के हम अपनी प्रायरिटीज़ को अपनी गोल्स को कैसे सेट करें फिर हम रात में कैसे उसको रिव्यू करें दैट आई हैव क्लियरली मेड इट दिस इज़ ए सिक्सटी डेज प्लान सो हम साठ दिन अगर एक्टिविटी करें इस सेल्फ़ मास्टरी बुक के अनुसार तो हमें वो पॉजिटिव एडिक्शन हो जाएगा फिर काम करने का उत्साह बढ़ेगा फिर हमारा मन लगने लगेगा तब मेरा अच्छा दिन आएगा तब मेरा दिन आएगा तब तब हम कामयाब होंगे तब हम बोल सकते हैं कि मेरा दिन आ गया मेरा दिन आ गया अनटिल अनलेस आई एम नॉट वॉकिंग ऑन दिस पैटर्न एंड आई एम नॉट डिसिप्लिन एंड डिटर्मिंड अबाउट माई लाइफ

me and make me uh, as a coach to master you to and uh, to join my self-mastery sessions you can ring me you can whatsapp me and till then thank you god bless you